हेलो हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी डायमीटर इज 5 mm इन डायमीटर। हाउ मच एयर डज द सरफेस टेंशन काउज इन द रीडिंग। वाइल सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी वो हमें गिवन है 540 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर एंड इट इज गिवन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 135 डिग्री। Let us start with this solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हमें calculate क्या करना है? Error calculate करना है surface tension में, ठीक है? तो basically ये जो error है, वो क्या हो जाएगा? That is error in barometer reading and it is nothing but equals to the depression of mercury level. So उसका formula क्या जाता है? Here we will say डिप्रेशन ऑफ मर्क्यूरी, डिप्रेशन ऑफ मर्क्यूरी लेवल, और इसका फॉर्मूला हो जाता है सिंपली 2s cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू जी के इक्वल, ठीक है? सो लेट मी करेक्ट दिस। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें गिवन क्या है, डायमीटर बोल रहा है 5 mm के इक्वल है, ठीक है? सो यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू 5 / 2 कम्स आउट 2.5, बट ये मिलीमीटर में, सो मीटर में कर लीजिए। सो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर के इक्वल, राइट ना? रो जो यहाँ पर है वो बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर होंगी। सो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब के इक्वल, ठीक है? नाउ सी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे गिवन है, मीन्स जो थीटा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 135 डिग्री के इक्वल, और जो सरफेस टेंशन है वो भी हमें गिवन है। दैट इज लेट्स से एस इज इक्वल टू 540 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर के इक्वल। तो चलिए हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे और जो एरर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। से यहां से हम बोल देंगे एरर इन बैरोमीटर रीडिंग, इन बैरोमीटर रीडिंग वो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन ऑफ मर्क्यूरी लेवल, ठीक है? सो वो कितना है? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट इट इज इक्वल टू 2s cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r रो g के इक्वल। सो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हियर आई एम राइटिंग, से यहां से देखिए 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना गिवन है? 540 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो कितना गिवन है? 135 डिग्री डिवाइडेड बाय रेडियस वो हमने यहाँ पर फाइंड किया है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ओके सो डू वन करेक्शन हियर। सो बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं होंगी, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मरकरी होंगी, क्योंकि यहाँ पर मरकरी की बात हो रही है। सो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितने थे? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, राइट? सो चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू ऑफ जी है वो हो जाएंगी 10 m/s² के इक्वल। सो जब आप इस सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2.2627 इंटू 10⁻³ मीटर के इक्वल। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया है? क्योंकि कॉस 135 की वैल्यू निगेटिव होती है। सो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं माइनस ऑफ 2.26 मिली
मीटर की कॉइल, ठीक है। सो इतनी एरर की रीडिंग मिल जाएंगी हमें बैरोमीटर में इन रिगार्डिंग टू सरफेस टेंशन। ओके, सो यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिप्रेशन ऑफ मर्करी लेवल फॉर्मूला। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।